चल रहा है गोवर्धन के लिए, देखेंगे गोवर्धन में कैसी वहाँ का हिसाब किताब है, वहाँ पे अभी परिक्रमा वगैरह चालू है या नहीं है, तब निकलते हैं यहाँ पे, चलते हैं गोवर्धन के लिए सीधा, चेकआउट मारते हैं। तो अब जो रिसेप्शन पे चाबी वगैरह सब कुछ दे दिए, अब निकलते हैं अपनी स्कूटीज लेके। और मौसम अभी फ़िलहाल का थोड़ा बारिश ऐसा हो गया है, बट अभी मौसम में फिर भी नरमा ही है, इतनी धूप नहीं निकली अभी, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, बट देखते हैं अभी रास्ते में जब ट्रैवल चलते हैं तो इतनी धूप नहीं लगती है। ये स्कूटी खड़ी है दोनों, स्कूटी निकालते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब जो है गोवर्धन के लिए निकल गए हैं हम, जिस रूट से आए थे उसी रूट से वापस जाना होगा। यह है प्रेम मंदिर पीछे, दिन में कुछ इस तरीके से दिखता है प्रेम मंदिर, बट रात में आपको दिखाया था मैंने, रात को आपको दिखाया मैंने पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, तो इस तरीके से कुछ दिन में दिखता है बट रात में ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अब चलते हैं सीधा उसी रूट से, हमें वापस जाना पड़ेगा जहाँ से हमने एंट्री करी थी। अब आपको आगे चल के दिखाता हूँ, जब गोवर्धन के आसपास पहुँच जाते हैं तब आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत गर्मी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। तो अब जो फाइनली हम गोवर्धन पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे स्कूटी के ऊपर ही। बाबा कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताओ गोवर्धन के बारे में, कुछ बताओ गोवर्धन में। बेटा तू चढ़ाना, ये लॉकडाउन कैसे लगा था साहब? लॉकडाउन कैसे लगा था, कैसे लगाया? ये कोरोना है नहीं है? नहीं कोरोना है तो गोवर्धन तो नहीं था, फिर कैसे जी परदेशी को क्यों बुलाया? परिक्रमा चल रहे हैं यहाँ पे, बताओ चालू है? परिक्रमा चालू है, झूठ किसी ने बोली, कौन से नेता ने? पकड़ेंगे अभी तो दिल्ली जाके, ठीक है? दिल्ली साहब, दिल्ली बोल दो दिल्ली वालों से कि दिल्ली वाले झूठ मत बोला करो। तू बताओ जी क्यों कोरोना खोला था, आप क्यों आए थे, आप क्यों आए है ना, गलत है दिल्ली वाले, आए तो क्यों आए, ठीक है लड़ाई की चक्कर में आए। हाँ ठीक है, समझा दूंगा मैं तुम्हें, समझा। तो अब जो है परिक्रमा स्टार्ट कर दी है स्कूटी पे, ये पीछे देखो पहाड़ है पूरा, गोवर्धन पर्वत है ये, तो मज़ा आ रहा है फुल। हर बार तो जो पैदल ही परिक्रमा लगाए हैं, बट इस बार फर्स्ट टाइम स्कूटी से परिक्रमा लगाने में अलग ही एक्सपीरियंस है, देखते हैं कि कैसा रहता है। आगे कुंड भी पड़ता है, इस कुंड में भी नहाते हैं, कुंड के भी मजे लेंगे। और अभी दिखाता हूँ आपको चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली है आगे भी, तो ऐसी मज़े लेते हुए चलते हैं। जय हो गोवर्धन महाराज की। ये एक टाइम पे दोस्तों इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे परिक्रमा लगाते रहते थे, बट इतनी गर्मी की वजह से और गर्मी और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि ये जो मिट्टी जो है साइड में जहाँ पे जो लोग परिक्रमा लगाते हैं पैदल वाले, तो बहुत ही गर्म हो रखी है, तो इस टाइम लगाना तो इम्पॉसिबल ही है, तो लोग रात में यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं इस टाइम पे। बट स्कूटी से तो इतना पता नहीं लग रहा, बट बहुत गर्मी की वजह से लोगों ने परिक्रमा लगाना भी यहाँ पे बंद करा हुआ है। रात के टाइम पे लगाते हैं तो थोड़ी ठंडक हो जाती है मिट्टी, उस टाइम पे जो है लोग यहाँ पे परिक्रमा वगैरह लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी सारी बंद है, क्योंकि सैटरडे और संडे को पूरा लॉकडाउन है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को। तो अभी जो है परिक्रमा मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको पता ही है, अभी ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं ऐसे जो काफ़ी सारे बीच बीच में पड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे वीडियो बनाना का मतलब है कि बहुत ही सावधानी से बनानी पड़ती है, क्योंकि बंदर वगैरह काफ़ी अटैक कर देते हैं फ़ोन और टोपी वगैरह पे, तो बड़ी सोच समझ के वीडियो बनानी पड़ रही है, बट मज़ा आ रहा है पूरा फुल। भैया मज़ा आ रहा है क्या? बहुत मज़ा नहीं आ रहा क्या? बहुत गर्मी तो नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही, मौसम भी अच्छा हो गया काफ़ी, बस थोड़ी सी बारिश और हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। चलते हैं आगे और लेते हैं देख। तो अभी जो है एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी जो छोटी परिक्रमा जो सेकेंड पार्ट होता है वो स्टार्ट कर दिया है, तो सारी दुकानें जो हैं जितनी शॉप तो सारी बंद हैं, लिमिटेड ही खुल रही हैं, बहुत 10 में से एक दुकान खुली हुई है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ऑर्डर है टाइम बंद करने के, तो इसलिए कोई भी दुकान खुली नहीं हुई, सारी दुकान बंद है पीछे। तो इस मार्केट में बहुत भीड़ रहती थी, बट इस टाइम पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि कोई भी दर्शन करने वाले सब इस टाइम बंद हुए पड़े हैं। और मैंने अपने इन्जॉयमेंट के लिए आपको एक्सपीरियंस किया हुआ, इसमें गाने सुनता हूँ अपना परिक्रमा इन्जॉय कर रहा हूँ, अपना गाने सुनते सुनते इन्जॉय कर रहा हूँ परिक्रमा। पीछे वो आ रहे हैं पीछे, बस मस्ती लेते हो मज़े लेते हो चल रहे हैं। चार पांच लोग दिखे हैं जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, तो इतनी धूप में गाइस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो फर्श है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने बिल्कुल ही भीड़ बिल्कुल ही ख़त्म, रौनक जो है यहाँ की बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है इस टाइम पर। पहले बहुत रौनक रहती थी यहाँ पर, बट इस टाइम सारा खाली पड़ा हुआ है। बचे जो लोग हैं गाँव के लोग हैं जिनकी शॉप है छोटी मोटी, ये वही लोग दिख रहे हैं, बाकी बाहर से जो लोग आए हैं बहुत ही 10% लोग भी नहीं हैं यहाँ पे यहाँ से। तब राधा कुंड में भी जाके स्नान करेंगे, वहाँ का भी आनंद लेंगे। काफ़ी चलने के बाद एक स्टॉप ले लिया है, कभी इसके लिए उसके बाद आगे का दोबारा से तय करते हैं रास्ता।
तो ये जो इसे चूतर टेका कहते हैं, यहाँ पे बैठना कंपलसरी होता है। अभी जो बैठे हुए हैं चूतर टेका पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लेते हैं, उसके बाद आगे फिर चलते हैं। बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा सा ठंडा दिमाग करके फिर निकले हैं। आते हो यहाँ के स्पीकर लगा लिए, स्पीकर लगा लिए और गाने चल रहे हैं, मस्त मज़ा मज़ा आ रहे हैं। बुलाती हो सारा दिन, तड़पाती हो सारी रात जगा। पूरी रोड खाली पड़ी है, पूरी रोड खाली। अभी अराउंड 6 किलोमीटर रह रहा है, हमने 15 किलोमीटर कवर कर लिया है, 6 किलोमीटर रह रहा है। अब वो भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक कुंड पड़ेगा, कुंड में भी स्नान करते हैं, उसके बाद आपको फिर मिलता हूँ। ये स्कूटी यहाँ पे पीछे खड़ी कर दी है, जिस कुंड की मैं बात कर रहा था, ये राधा कृष्ण कुंड है। ये पीछे देख रहे हैं सारा कुंड है, अब इसमें नहाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मजे करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अब चलो नहाते हैं यहाँ पे। बंदर का बहुत खतरा है यहाँ पे, ये ऐसे आते हैं चुपचाप और फ़ोन छीन के भाग जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब ये किस जुगाड़ में घूम रहा है यहाँ ये नहीं पता, लेकिन कुंड का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है कुंड का पानी। तो चलते हैं अब कुंड के अंदर नहाने के लिए, ये कुंड पीछे इंतजार कर रहा है हमारा। भाई चल नहीं रहा क्या? नहीं यार मैं नहीं जा रहा एक्चुअली। तू चल रहा है क्या? तो अभी हम कुंड में नहाकर आ गए हैं, बिल्कुल अभी निकले हैं, और जैसे ही कुंड से निकले एकदम से बाहर का माहौल भी एकदम बदल गया है, एकदम से ठंडा मौसम हो गया है, बारिश का बारिश टाइप का, बट आई नहीं है बारिश अभी, बट हाँ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम कुंड में नहा रहे थे तब थोड़ी सी आंधी भी आई थी, बट अब आंधी तो नहीं आ रही, बट ठंडा मौसम हो गया है, देखते हैं बारिश आए तो और मज़ा आएगा घूमने में। बड़ा हुआ है, 4 किलोमीटर की रह गई है, ये सारी शॉप्स बंद है क्योंकि संडे को सारी शॉप्स बंद रहती हैं, बस कुछ गिनी चुनी शॉप्स खुल रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी शॉप। ये जो राइट हैंड पे है कुसुम सरोवर, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसा कि आपने देखा होगा लुका छुपी भी है और टॉयलेट एक प्रेम कथा वाली मूवी की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, तो काफ़ी सारी मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई है। आपको पास से दिखाता हूँ ये कि कैसे दिखता है ये सरोवर, जो है कुसुम सरोवर के अंदर एंट्री कर ली है, और बहुत ही प्यारा यहाँ से लगता है व्यू। यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग्स भी हुई, आपको ये देखो ये बड़ा प्यारा व्यू होता है यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ से दूर दूर तक है, जैसे पानी में आप लोगों को दिख रहा होगा बूंदें स्टार्ट हो गई हैं बारिश की, काफ़ी बूंदें स्टार्ट हो गई हैं। ये वहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, ये जो दिख रहे हैं ना ब्लॉकेज दिख रहे हैं, इनके अंदर साधु महात्मा सो रहे हैं सबने अपने। और क्या मजे आ रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, आ जाओ सब आ जाओ और यहाँ पे कुंड में नहा लो, कुंड के मजे लो। और तो ये जो कुछ है पीछे ऐसा था, अब नीचे एक बार चल के दिखाता हूँ नीचे का, नीचे देखने में कैसा है, नीचे चलते हैं। ये चैन कुंड में नहाने के लिए है, चैन ताकि डूब ना जाए, बहुत भारी चैन है ये, सब खींच से एक बार ये देखो इतनी भारी चैन है ये। तो एक बार नीचे उतर के देखते हैं इनके अंदर का सीन कैसे है।
बाबूजी क्या हाल है? हमें पानी पिलाएंगे, पानी पानी चाहिए? हाँ अभी देते हैं। पिलाएं ना बाबूजी? देते देते एक बोतल पानी। तो अभी ये कुछ इस तरीके से अंदर था ऐसे, क्योंकि अंदर का ठंडा रहता है, इसलिए जो आसपास के साधु लोग हैं वो इस अंदर ही विश्राम कर लेते हैं, और अंदर वो सो रहे थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब इसके अंदर जो बाबा सो रहे थे उन्होंने पानी मंगाया था, तो उनको पानी देकर आ रहा हूँ। उन्होंने सुबह से पानी नहीं पिया तो उन्हें पानी लगा दे देता हूँ। तो आ गया? हाँ। पानी पी लो, रख लो। यहाँ का भी धाम घूम लिया, निकलते हैं आगे। एकदम अल्टीमेट मौसम हो गया यहाँ का, तो अब जितना भी जल्द हो सके उतना जल्दी स्ट्रेच मार लेते हैं, खींच लेते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि धूप काफ़ी तेज थी लेकिन अब काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो अब ऐसे मौसम में स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कवर कर लेंगे, क्योंकि रात में हाईवे पर चलाना सेफ नहीं है, तो इसलिए जितना होगा उतना दिन दिन में ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि रात में अगर लेट हो गए तो फिर रात में स्टे करना पड़ेगा कहीं पर, क्योंकि रात में हाईवे पर चलाना सेफ नहीं है, तो इसलिए जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कवर कर लेते हैं। और मौसम बहुत प्यारा हो गया है, मैं आपको बैक कैमरे से देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है हल्की हल्की और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और गोवर्धन में घूमने का अलग ही नज़ारा, एकदम प्यारी सी वाइब्स आ रही है। तेरी दुनिया चला, ये देखो इनकी भी हालत, अभी लास्ट एक किलोमीटर बचा हुआ है, तो जितने भी लोग पैदल वाले चल रहे हैं उन सब की हालत ख़राब हुई पड़ी होगी, क्योंकि इतने एक तो अब उन्हें काफ़ी राहत मिली, जितने भी लोग अब परिक्रमा लगा रहे हैं, जिन्होंने लगाना स्टार्ट करें उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी अब, क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो गया है, अब हल्की हल्की बारिश हो रही है झरने टाइप की और ठंडी ठंडी हवाएं, तो बहुत ही अल्टीमेट मौसम हो गया है यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू है, और यहाँ पे एक अलग ही आनंद है, यहाँ पे कितने मज़ा आता है वो तो जब आप आओगे तभी आपको पता चलेगा, एक बार ज़रूर आना लाइफ में। एक टाइम पे सारी दुकानें खुली, सारी दुकानें ओपन हुआ करती थी, अभी सारी बंद पड़ी हैं, एक दो खुली हुई है मुश्किल से वो भी, नहीं तो यहाँ पे इतनी चमक धमक रहती थी, कृष्ण जी के कपड़े मिलते थे, खिलौने मिलते थे बच्चों के, खाने पीने के सामान, बहुत भीड़ चहल पहल रहती थी इस रोड पे। और जो 11 दिन बाद एक यहाँ पे कोई मेला लगने वाला है, वो एक साल में एक बार लगता है, इस बार वो मेला भी कैंसिल कर दिया है, तो काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ इसी वजह से। अभी बीच में मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई थी, तो उन लोगों ने बताया कि इस बार काफ़ी उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि शॉप्स ही नहीं खुली हैं, जब लोग ही नहीं आए तो फिर उनकी शॉप कैसे चलेगी, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई है इस बार, बट वो सेफ्टी के पर्पज़ से सरकार ने बंद किया हुआ है, बट कोई नहीं, देख परिक्रमा समाप्त हो गए हैं। खाना खाना खा लिया है, अभी जो है गोवर्धन से निकलने के बाद ये फर्स्ट स्टॉप लिया है हमने, इससे पहले कोई स्टॉप नहीं लिया था, अब क्योंकि आते टाइम में काफ़ी थकावट हो गई और नींद भी आ रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत खा लिया है अभी, उसके बाद निकलते हैं पूरे दिल्ली के लिए, देखते हैं स्टॉप लेंगे तो वरना फिर डायरेक्ट दिल्ली ला के लेंगे स्टॉप। एक स्टॉप हमने यहाँ पे लिया है चाय पीने के लिए, काफ़ी थकावट हो रही है इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, अब सीधा आपको घर जाके मिलता हूँ।